नौगांव संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद तथा रेलवे राज्य मंत्री राजन गोहाई और सदर क्षेत्र के विधायक रूपक शर्मा के बीच वाकयुद्ध का सिलसिला राजनीतिक गलियारों में दिलचस्पी का मामला बना हुआ है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सदर विधायक रूपक शर्मा ने एक निजी टीवी चैनल में हाल ही में कहा था कि पूर्व रेलवे राज्य मंत्री का उनके ही संसदीय क्षेत्र में जन समर्थन अब ना के बराबर है। इसी बयान को लेकर बौखलाए हुए पूर्व रेलवे राज्य मंत्री तथा पूर्व सांसद राजन गोहाई ने अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सदर विधायक रूपक शर्मा की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि यदि रूपक शर्मा के पास जन समर्थन है तो 20 साल तक भाजपा के कब्जे में रहने वाले नौगांव संसदीय क्षेत्र से वो क्यों हार गए, जिससे जनता यह अंदाजा लगा सकती है कि जन समर्थन किसके पास है और किसके पास था। पूर्व मंत्री राजन गोहाई ने कहा कि मैंने एक चली और झूठ बोलने में माहिर रूपक शर्मा को भाजपा में लाकर विधायक बनाने का ही मुझे स्वागत मिल रहा है कि विधायक रूपक शर्मा मेरे खिलाफ बयानबाजी कर मेरे छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि मैं असम में भाजपा का वरिष्ठ नेता हूं। संवाददाताओं से पूर्व मंत्री राजन गोहाई ने कहा कि मेरे मंत्रित्व काल में कभी भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कार्यकाल का मुंह नहीं देखने वाले सदर विधायक रूपक शर्मा जनता को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि नौगांव कॉलेज के सामने तथा बरघाट में बनने वाले ओवर ब्रिज का स्कीम बनाकर सेक्शन करवाने में उन्हीं का योगदान है, जबकि उक्त सारी स्कीम मैंने ही अपने कार्यकाल में पास करवाया था और जल्द ही सारे काम शुरू होने वाले हैं। संवाददाताओं के प्रश्न का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री राजन गोहाई ने कहा कि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वे नौगांव सदर और बढ़मपुर क्षेत्र में टिकट की मांग करेंगे, लेकिन भाजपा हाईकमान का निर्णय ही उनके लिए सर्वोपरि होगा। नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट।